किसी भी नेता के अंदर चार बातें होना चाहिए, नेता बोलता हो, नेता डोलता हो, लंगोट का पक्का हो, बाजार का सच्चा हो। मुझे लगता नहीं कि चारों बातें समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के अंदर। क्या है कहानी 2014 तब आप 20,000 से हारे थे लगभग डिंपल यादव से। कन्नौज लोकसभा का 2014 का चुनाव लोकतंत्र के ऊपर कलंक के रूप में हमेशा गिना जाएगा। हिंदू होने का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी दूसरे को रहने नहीं देंगे, हिंदू होने का अर्थ है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। ये निश्चित रूप से जिसने कन्नौज को लूटा है वो अंजाम तक पहुंचेगा, क्योंकि कन्नौज को नहीं लूटा है, कन्नौज के गरीबों को लूटा है, उनके अधिकारों को लूटा है। पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में एक शब्द है जिसका इस्तेमाल कभी कभी होता है, जब होता है तब सुर्खियां बनती हैं, शब्द जायंट किलर। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है मेरा, ये ललन टॉप अड्डा है। अड्डे के इस बार के मेहमान हैं पॉलिटिकल जायंट किलर सुब्रत पाठक, कन्नौज के सांसद डेजिग्नेट, हाँ चुनाव जीत चुके हैं, अभी शपथ ग्रहण बाकी है, लेकिन आपको ये हरा वाला पट्टा मिल गया, ये सांसदों को मिलता है जी, ये परिचय पत्र। परिचय ये कि सुब्रत पाठक उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा से समाजवादी पार्टी की नेता और सपा बसपा रालोद की साझा उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव को हराकर यहां तक पहुंचे हैं। सीधे पॉइंट पर आते हैं, बड़ा कांटे का मुकाबला रहा। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव चूंकि महागठबंधन के कारण से उनका वोट, चूंकि बहुजन समाजवादी पार्टी का भी वोट उनके साथ में जुड़ा, तो इस नाते से जो कांटे आखिरी में आते आते चुनाव काफ़ी संघर्षपूर्ण हुआ, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों को अपने जीत का पूरा भरोसा था और उस आधार पर ये लगता था कि जो भी 5.5 लाख वोट को क्रॉस कर जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो हम लोग 5.5 लाख वोट को क्रॉस कर गए और वो लोग 5.5 लाख तक आकर रुक गए। निश्चित रूप से 12,365 मतों से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जब इस दफ़ा हम लोग कन्नौज में गए तो कुछ थेरीज बार बार सुनाई गई जिसमें 2014 का जिक्र आता था, और अचरज की बात यह है कि मैं ऑन कैमरा कानपुर में जीटी रोड के किनारे कुछ खानाबदोश लोग थे उनसे बात कर रहा था, तो एक बुज़ुर्ग था जो कन्नौज से आया था, तो मैंने पूछा चाचा कन्नौज का क्या चुनाव है, तो उसने भी वही कहानी सुनाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि 2014 में भी वो चुनाव जीते थे लेकिन सपा ने हरवा दिया। क्या है कहानी 2014 की, तब आप 20,000 से हारे थे लगभग डिंपल यादव से। देखिए, 2014 का चुनाव निश्चित रूप से कन्नौज लोकसभा का 2014 का चुनाव लोकतंत्र के ऊपर कलंक के रूप में हमेशा गिना जाएगा। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव की धर्मपत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही थी और पूरी प्रक्रिया को जिस प्रकार से दोषपूर्ण बनाने का काम वहाँ के ऊपर तत्कालीन जो आरओबी थे, वहाँ कन्नौज के एडीएम भी थे रमेश चंद्र यादव, तो वोट बनाने से लेकर और वोट गिनाने तक सारी प्रक्रिया दोषपूर्ण रही है। और निश्चित रूप से 2014 के चुनाव में जिस दिन काउंटिंग हो रही थी तो एक रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र जो पड़ती है जिसमें 11 बजे के बाद हमारे सारे पोलिंग एजेंट्स ही बाहर कर दिए गए। अब उसके बाद क्या उस विधानसभा में हुआ, कितना मार्जिन रहा था रसूलाबाद में, रसूलाबाद में उस समय पर हम लोग 8,000 से हार गए थे, लेकिन हम लोगों को निश्चित रूप से वहाँ की उम्मीद थी कि हम 10,000 से भी अधिक मतों से वहाँ पर चुनाव जीतेंगे और वहाँ से 8,000 मतों से हम लोग। तो क्या कह के पोलिंग एजेंट्स काउंटिंग एजेंट्स को बाहर किया गया? हमारे काउंटिंग एजेंट्स कुछ जैसा कि वो लोग बताते हैं कि चूंकि वो लोग खाना खाने के लिए इकट्ठे हो गए होंगे तो उसके बाद में फिर उनको खाना खाने के बाद में फिर उनको आने नहीं दिया। उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया तो उनको धमकी अमकी भी दिया, फिर उसको अंदर गेट बंद करने के बाद फिर उनको वहाँ काउंटिंग स्तर पर नहीं पहुँच पाए वो लोग रसूलाबाद। चूँकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी 3 जिलों में आती है तो एक जिला जो उसका है वो कानपुर देहात में, एक विधानसभा कानपुर देहात में आती है। कौन सी? ये रसूलाबाद। तो वहाँ की ये घटना है और फिर उन्हीं के पार्टी से निकले हुए एक विधायक ने इस बात को कहा भी है अपने भाषण में कि किस प्रकार से डिंपल यादव जितवाई गई। वही बेटी, वो जो वहाँ सीतापुर से एक विधायक थे उनके, राम
कुछ यादव करके जी क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने उनके यूट्यूब पे भाषण भी मेरे मेरे पास भी है, कि आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा था कि डिंपल को किस प्रकार से जिताया गया हमको मालूम है, और वही मशीन बाहर जाती थी, वही मशीन बाहर आती थी, लाइट बंद कर दी गई थी, इस प्रकार से उन्होंने पूरा वर्णन किया हुआ है अपने भाषण में। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों ने देखा था, हम लोग सारी बातों को हम लोग समझ रहे थे, जिस प्रकार से फर्जी मतदान कराया गया था, जिस प्रकार से हमारे लोगों को वोट डालने से सरकार की ताकत के ऊपर रोका गया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसमें दोषपूर्ण प्रक्रिया पूरी चुनाव की रही थी। यही सारे इल्ज़ाम अखिलेश यादव लगाते हैं 2019 के चुनाव के लिए। देखिए अखिलेश जी तो इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इसके अलावा और वो कर क्या सकते हैं, लेकिन एक बात अखिलेश यादव जी इस बात को ज़रूर देख रहे होंगे, तो उन्होंने उनको समझ में आया होगा कि किसी को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए भी न तो इनके किसी व्यक्ति के ऊपर आज तक फर्जी मुकदमा लगवाया गया, सरकार चलते 2 साल हो गए हैं, न ही इनके किसी व्यक्ति को आज तक किसी प्रकार से उत्पीड़न किया गया, और न ही इनके किसी लोगों को वोट डालने से रोका गया। एक भी व्यक्ति यदि कन्नौज के भीतर ये कह दे कि उसको वोट डालने से रोका गया, तो निश्चित रूप से इस बात को माना जा सकता है। लेकिन हाँ, इनके गुंडों को इस बार फर्जी मतदान करने से ज़रूर रोका गया, इनके गुंडों को गुंडागर्दी करने से ज़रूर रोका गया, इनके गुंडे जो गरीबों को वोट डालने नहीं जाने देते थे उससे ज़रूर इनको रोका गया। तो शायद जो ये लोग बूथ नहीं लूट पाए, ये लोग फर्जी मतदान नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है शायद ये इनके अंदर इस बात का दर्द रहा होगा। कई लोगों ने रेड कार्ड जो जारी किए गए थे उनका खूब जिक्र किया। सपा वालों ने कहा कि चुन चुन के हमारे समर्थक प्रधानों को और हमारे प्रभावशाली समर्थकों को पुलिस ने इस तरीके से टारगेट किया, प्रशासन ने किया। कई लोगों ने कहा कि पुलिस प्रशासन को ऊपर से निर्देश था कि किसी भी कीमत पर ये सीट निकलनी है, इस तरह के इल्ज़ाम लगे। देखिए अब ये तो कहने को कोई भी कुछ भी बात को कह सकता है। रही बात रेड कार्ड की, तो रेड कार्ड तो हमारे लोगों के पास भी आए, हमारे कई सारे पदाधिकारियों के पास रेड कार्ड इस चुनाव में भी आए। तो ये रेड कार्ड का एक्चुअली में सिस्टम होता है कि जिनसे भी आशंका होती है कि जो लोग मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, शांति भंग की आशंका जो होती है कि जो लोग शांति के लिए खतरा हैं, ऐसे लोगों को रेड कार्ड जारी किया जाता है, ताकि वो लोग जाएँ चुपचाप बूथ पर वोट डालकर और अपने घर में बैठें, इसको लेकर रेड कार्ड जारी किया जाता है। बाकी रेड कार्ड जारी करने का और कोई दूसरा काम नहीं है। इसके अलावा जो इनके लोग जो पैसे बांट रहे थे, जिसका लगातार क्षेत्र में लगातार आवाज़ आ रही थी, और मतदान के एक दिन पूर्व इनके एक प्रधान, इनका समर्थित प्रधान, उसके साथ में सीपुर, सीपुर के प्रधान जो है वो पैसा बांटते हुए पकड़ा गया, रात भर थाने में भी बंद रहा, और उसके साथ में 2 लोग थे जो पैसा बांटने जा रहे थे। तो इस प्रकार से कई इस चीज़ें हैं जो गांव-गांव से सूचनाएं आती थी कि वो फलाना पैसा बांट रहा है इस चुनाव में, इसी चुनाव में 2019 के चुनाव में। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये सारे काम, चूँकि हम लोग लगातार जहां से मेरे पास में शिकायतें आ रही थी, हम लोग इन शिकायतों को लगातार शासन से और चुनाव आयोग को हम लोग कर रहे थे, तो उसको लेकर भी कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई होगी। और वो कार्रवाई भी ऐसी नहीं कि किसी को उठाकर जेल में डाल दिया गया हो या किसी को उठाकर पुलिस ने बैठा लिया, हाँ कुछ लोगों को ये रेड कार्ड जरूर जारी किया। जब 23 मई को नतीजे आ रहे थे और ये खबर आ रही थी कि कन्नौज से सपा कैंडिडेट डिंपल यादव पीछे चल रही हैं, तो दो खबरें चल रही थी यूपी में, जिन दो तीन नतीजों पर लोगों की खास निगाह थी। उसमें एक कन्नौज था, एक अमेठी था, क्योंकि वहाँ राहुल गांधी पीछे चल रहे थे, तो बार बार मार्जिन चेक किया जा रहा था। और फिर गूगल पे कई लोग चेक कर रहे थे हु इज सुब्रत पाठक। आपने पिताजी का जिक्र किया, क्या है सुब्रत पाठक की बैकग्राउंड? देखिए एक तो मेरी कन्नौज के रहने वाले हैं मूल रूप से। हम लोग लगभग जब तो 16 पीढ़ियों का मेरा जो जिसकी हमको जानकारी है, तो 16 पीढ़ियों से लगभग कन्नौज में हैं। और मेरा जो बैकग्राउंड है, तो मैं व्यापारी परिवार से आता हूँ। अच्छा। सन 1911 में हमारे पिताजी के ग्रैंडफादर ने उसका स्थापना की थी हमारी फर्म की। क्या इत्र का काम? इत्र का काम। अच्छा। मुन्ना लाल सनसेंट कंपनी करके हमारी फर्म है। तो 1911 की हमारी फर्म है, जिसमें हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी और हम सब लोग इसी काम से जुड़े हुए हैं। तो व्यापारी बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं। अच्छा, तो आप पहले व्यक्ति हैं अपने परिवार के जो राजनीति में आए? नहीं, हमसे पहले तो चूंकि हमारे परबाबा जी भी जो थे, वो भी गांधी जी के समय पर जब कांग्रेस थी, तो उस समय पर नगर के कोषाध्यक्ष आज़ादी से पहले थे। उसके बाद में जो हमारे बाबा जी भी कन्नौज लोकल की पॉलिटिक्स में
सक्रिय थे। सन 77 में जब इंदिरा जी के इमरजेंसी लगाने के बाद में 77 में जब भारतीय जनता पार्टी जो सॉरी जनता पार्टी जब बनी थी तो जनता पार्टी में बाबा जी हमारे कांग्रेस छोड़कर आ गए थे, और उसके बाद में फिर जनता पार्टी के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी से फिर लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी में ही रहे। फिर उसके बाद बाबा के बाद में फिर हमारे चाचा जी भी थोड़ी बहुत राजनीति में थे। एक बार नगर पालिका का चुनाव भी 95 में वो कन्नौज नगर पालिका का लड़े थे। कई लोगों ने कहा कि सुब्रत पाठक तो चुनाव हारने के लिए लड़ते हैं, और वो शुरुआत करते हैं 1999 से जब आप PSM डिग्री कॉलेज में अध्यक्षी का चुनाव लड़े, हार गए थे। फिर 2009 का लोकसभा चुनाव आप भाजपा कैंडिडेट के तौर पर लड़े, तीसरे नंबर पर रहे कन्नौज में, पहले पे अखिलेश रहे। फिर 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो डिम्पल यादव निर्विरोध हो जाती हैं। 2014 में भी आप चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं। तो कई लोग ऐसे करके इन लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि पता नहीं आज तक तो कभी चुनाव जीते नहीं हैं, तो इसका कोई दबाव था कि दो चुनाव लगातार हार चुके हैं 2009 और 2014? देखिए 2009 का चुनाव तो आप समझ सकते हैं कि 2009 का चुनाव जब हम लोग लड़ रहे थे तो उस समय पर माननीय बाबू कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ गए थे, तो चूंकि हमारे यहाँ लोथ बेल्ट है और उस समय बाबू जी के पार्टी से जाने के कारण से वहाँ के ऊपर जो लोधी बेल्ट पर वोट हमको मिला ही नहीं, तो जिस कारण से 1.5 लाख वोट के ऊपर हम लोग सिमट गए। वो तो मुलायम सिंह के साथ मुलायम सिंह जी के साथ थे, तो एक बड़ी तादाद में वोट समाजवादी पार्टी को चला गया था। अगर वो वोट समाजवादी पार्टी को ना गया होता, बाबू जी भारतीय जनता पार्टी में होते तो 2009 में ही कन्नौज में इतिहास लिख गया होता। और फिर जब 2014 आई तो बाबू जी भारतीय जनता पार्टी में लौट आए थे, और जब बाबू जी 2014 में भारतीय जनता पार्टी में लौट आए तो उसके बाद जो चुनाव हुआ, अखिलेश यादव ने कैसे अपनी धर्मपत्नी को चुनाव वह जितवाया, तो अखिलेश यादव जी जानते होंगे, उनका दिल जानता होगा, कन्नौज की जनता इस बात को जानती है। तो 2012 में क्या हुआ था जब डिम्पल यादव निर्विरोध जीत गई? 2012 में डिम्पल यादव जी जब क्योंकि ये भी लिखा जाता है इतिहास में, बिल्कुल 2012 के बाद एक लोकसभा सांसद निर्विरोध जीता। 2012 में जब श्रीमती डिम्पल यादव जी चुनाव निर्विरोध उनका हुआ था तो उस समय पर मैं कैंडिडेट नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, तो उस समय के ऊपर जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जिसको बनाया था तो बोलते हैं कि उसको शायद बिल्होर के पास ही रोक लिया गया, उसको कन्नौज के लिए आने नहीं दिया। और साथ ही वहाँ के ऊपर जिन लोगों ने और भी कुछ एक वोटर्स पार्टी करके है, भरत गांधी एक वोटर्स पार्टी चलाते हैं, उन्होंने किसी का वहाँ के ऊपर नामांकन कराया था, पर्चा भी खरीदवाया था, उसको उठाकर बंद कर दिया समाजवादी गुंडों ने, और उसको उठा ले गए, दो तीन दिन उसको बंद रखा, और उसकी CID जाँच भी चल रही है। तो इस प्रकार से वहाँ के ऊपर कैसे उनको निर्विरोध बनाया, वो तो समाजवादी गुंडों की कृपा थी, नई नई सरकार थी, किसी को जाने नहीं दिया, पर्चा खरीदने नहीं दिया, लोगों को पर्चा भरने नहीं दिया, इस प्रकार का सब कुछ कन्नौज में हुआ था। अच्छा, कन्नौज हम लोग गए, तीन बड़ी दिक्कतें नज़र आईं कन्नौज में। पहली, इत्र पार्क का काम अधूरा। हम लोग मतलब बचपन से GK किताबों पढ़ रहे हैं कि इत्र नगरी कन्नौज, इत्र पार्क का काम अधूरा। पॉइंट नंबर वन, आलू बेल्ट है फरुखाबाद कन्नौज पूरी, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं, मतलब एक बस एक लॉलीपॉप थमा दी जाती है अलग अलग पार्टियों के द्वारा कि चिप्स की फैक्ट्री बनेगी, रोजगार पैदा होगा, आलू की खपत होगी। और तीसरी बात जो कही गई वो ये कि जो हाईवे के इर्द गिर्द का कन्नौज है, शहर और गाँव, वो तो खूब विकसित हैं लेकिन इंटीरियर में हालत आज भी बहुत अच्छी नहीं है। देखिए आपके तीनों पॉइंट्स पर आने से पहले मैं एक बात के स्पष्ट रूप से कि कन्नौज का विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ, तो कन्नौज में विकास के नाम पर बंदरबांट हुई है। नंबर एक बात, समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए कन्नौज में जो विकास के आए हुए पैसे के साथ जिस प्रकार से लूट हुई, और विकास के नाम पर केवल समाजवादी चमचों का विकास हुआ, जो अखिलेश यादव के करीबी लोगों का ही विकास हुआ, इसके अलावा किसी का विकास नहीं हुआ। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि इत्र पार्क, तो इत्र पार्क नहीं, परफ्यूम पार्क, परफ्यूम पार्क करके योजना लेकर आए, लेकिन आज तक उसकी जमीन भी अधिग्रहण उन्होंने 5 साल की सरकार रहते हुए भी नहीं किया। परफ्यूम, अच्छा, कोई परफ्यूम पार्क अभी बना नहीं? नहीं, परफ्यूम पार्क के नाम पर अखिलेश जी फ्रांस गए,
अखिलेश जी फ्रांस गए, ग्रासे फ्रांस में ले गए अपने करीबी जो उनके आज फिलहाल MLC हैं वहाँ, उनके बहुत करीबी हैं समाजवादी पार्टी से, उनको ले गए। इसके अलावा कोई प्रतिनिधिमंडल तक नहीं ले गए, जबकि इत्र का काम करने वाले तमाम सारे कन्नौज में बहुत पुरानी पुरानी फर्में हैं, 100-100 साल से भी अधिक की फर्में हैं, तो उनको भी नहीं ले गए साथ में। उसके अलावा जो इत्र और इससे एसेंशियल ऑयल से जुड़े हुई दो जो जहाँ के ऊपर रिसर्च के काम होते हैं कन्नौज की, FFDC और दूसरी जो है वो है CMAP, जो CMAP और FFDC, CMAP लखनऊ की, तो इनमें जो साइंटिस्ट जो इस पे काम करते हैं उनको भी साथ में नहीं ले गए। तो आखिर आप ग्रासे करने क्या गए? ग्रासे गए थे अपने परिवार को घुमाने, पत्नी और बच्चों के साथ में सरकारी पैसे के ऊपर, और उस चीज़ को केवल अपने को चुनाव से जोड़ते हुए परफ्यूम पार्क का नाम दे देने के कारण से भी हमारा नुकसान हुआ, कि जिसके कारण से कन्नौज का गुलाब जल, जो गुलाब जल परफ्यूम के अंतर्गत आ गया, और परफ्यूम के अंतर्गत आने के कारण से जिसका टैक्स कम होना चाहिए था GST में, वो कम ना होकर उसका टैक्स परफ्यूम जुड़ जाने के कारण से लग्जरियस आइटम हो गया और उसका टैक्स बढ़ गया। तो ये तो इन्होंने कन्नौज के साथ में खिलवाड़ किया, नंबर एक। नंबर दो, चिप्स फैक्ट्री। अखिलेश यादव जी 2012 से पहले कन्नौज में कहते थे कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम कन्नौज में आलू आधारित उद्योगों की फैक्ट्री लगाएंगे। वो कहते थे कन्नौज में साइकिल की फैक्ट्री लगाएंगे। पूरे 5 साल सरकार इनकी चली, इससे पहले इनके पिताजी की भी सरकार चली। कन्नौज में कोई भी आलू आधारित उद्योगों की फैक्ट्री उन्होंने नहीं लगवाई, ना ही उन्होंने कोई साइकिल की फैक्ट्री लगवाई। किसी प्रकार के कोई भी उद्योग धंधे को बढ़ावा देने का काम नहीं हुआ। और अब रही बात हमारी, तो निश्चित रूप से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने आलू का सबसे पहले इस देश के इतिहास में आलू का समर्थन मूल्य घोषित किया। आलू का समर्थन मूल्य घोषित हुआ है, उसके बाद से आज तक आलू के किसानों को अच्छे रेट आलू के मिलने हैं, अभी तक आलू फेंकने की स्थिति नहीं आई है भाजपा सरकार आने के बाद। और नंबर दो, कन्नौज में पेप्सिको कंपनी की 700 करोड़ रुपए की लागत से एक चिप्स फैक्ट्री की भी निर्माण भी स्वीकृत हो चुका है, जिसका भी जमीन अधिग्रहण करके भी हमारे जिलाधिकारी ने और जमीन अधिग्रहण कर लिया है। मुझे लगता है कि अति शीघ्र वो फैक्ट्री का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। ये 700 करोड़ रुपए की बनने वाली पेप्सिको की चिप्स फैक्ट्री कन्नौज में एक के आलू किसान के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन लाएगी। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है जी। पर सपा वाले कहते हैं, और ये तो मैंने विधानसभा चुनाव में भी देखा था वहाँ पे, कि सपा वालों कहना है कि चूंकि लोहिया जी यहाँ से रहे इसलिए हमारा लगाव है, और वो गिनवाते हैं कि देखिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और ऐसी तमाम उपलब्धियां गिनाते हैं। देखिए सपा वाले अगर लोहिया जी का नाम लेते हैं तो लोहिया जी एक बात कहते थे कि किसी भी नेता के अंदर 4 बातें होना चाहिए, नेता बोलता हो, नेता डोलता हो, लंगोट का पक्का हो, बाजार का सच्चा हो। ये 4 बातें जिसके अंदर होती हैं वो आगे जाता है। मुझे लगता नहीं कि चारों बातें समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के अंदर हैं। और लोहिया जिस समाजवाद की बात करते थे, जिस समाजवाद की बात लोहिया करते थे, वो समाजवाद भी समाजवादी पार्टी से समाप्त होकर केवल परिवारवाद रह गया। और इसलिए लोहिया जी को तो समाजवादी पार्टी भूल जाए वही अच्छा है। और जो विकास कार्य हैं, अब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विकास कार्य के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बना। मेडिकल कॉलेज बना किस लिए? केवल कुछ लोगों के विकास के लिए, आसपास के लोगों के विकास के लिए, तो वहाँ ताकि अपने लोगों को पुरस्कृत किया जाए। पर जनता को भी तो फायदा पहुँच रहा होगा। जनता को फायदा वहाँ के ऊपर किस प्रकार से पहुँचेगा? जहाँ के ऊपर प्राइमरी शिक्षा ही पूरी दूषित है, जहाँ के ऊपर नकल का सेंटर है, जहाँ के ऊपर हाई स्कूल लोग नकल से पास होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बावजूद भी अपना नाम नहीं लोग लिख पाते हैं, वहाँ के लोग कैसे डॉक्टर बन जाएंगे? आखिर वहाँ के ऊपर मेडिकल कॉलेज का क्या उपयोग रहा? मेडिकल कॉलेज बन भी गया, वहाँ के ऊपर यदि कोई मरीज जाता था तो उसको रिफ़र कर दिया जाता था, वो मेडिकल कॉलेज रिफ़र सेंटर बन गया। तो इसलिए निश्चित रूप से ये जो एक पूरी तरीके से ये छलावा करने का काम है समाजवादी पार्टी ने किया है। आप उनको किसी भी उपलब्धि का श्रेय नहीं देना चाहेंगे? जब उन्होंने कोई उपलब्धि की हो तो हम उसका श्रेय दें। अच्छा, जहाँ की प्राइमरी शिक्षा ही दूषित है वहाँ के ऊपर डॉक्टर कैसे बनेंगे लोग? कैसे लोग इंजीनियर बनेंगे? एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने बाहर विदेश में रहते हैं, तो बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे चुनाव में। ईमेल आया उनका, तो उन्होंने कहा कि
ये जितने नए लोग जीत के आए हैं उनसे बात करनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे तिलिस्म भेदा, उर्दू में भी उनकी काफ़ी दिलचस्पी थी। तो हम और भी जो इस जाइंट किलर वाली कैटेगरी में लोग आ रहे हैं उनसे संपर्क, चूँकि आप पहले हैं इसलिए नरेंद्र मोदी फैक्टर तो था, सबको नज़र आया, हर बिल्कुल हर लोकसभा में था और कई लोगों की गाड़ी पार लगी, 14 में भी, 17 में भी और 19 में भी। इसके अलावा और क्या था, कन्नौज स्पेसिफिक क्या रणनीति ऐसी थी जिसने आप लोगों की मदद की? आप पांचों विधानसभा में लीड लिया आपने या कुछ में पीछे भी रहे? पांच ने हम लोग दो है दो विधानसभा, विधानसभाओं में पीछे रहे, तीन विधानसभाओं कौन में कौन से जीत पीछे रहे? लिए, छिबरामऊ और कन्नौज में। कन्नौज पर आप लोग विधानसभा भी हारे हैं हाँ जी, तो बाकी तीन विधानसभाओं में हम लोग जीते हैं। देखिए, इसमें रणनीति की बात तो सिर्फ मैं इतनी बात ही कह सकता हूँ कि हम लोगों ने ज़मीन के ऊपर काम किया, लोगों का भरोसा हासिल किया, और निश्चित रूप से बिल्कुल सत्य बात है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लोगों को बहुत भरोसा था। नरेंद्र मोदी जी 2014 में अपने नाम से आए थे, 2019 में अपने काम से आए हैं। तो जिस प्रकार से उन्होंने 5 साल, जिस प्रकार से मोदी जी ने जो काम किया, इस 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक आम आदमी के भरोसे को जीतने का काम नहीं किया, सुब्रत उसके जी, अंदर वो मोदी विश्वास। फैक्टर पे तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा था कि कन्नौज में सुब्रत पाठक की और भाजपा की क्या रणनीति रही जो इस बार देखिए, कारगर रही? कन्नौज में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का जो आतंक था, समाजवादी पार्टी का जो भ्रष्टाचार था, समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज था, समाजवादी पार्टी का जो परिवारवाद था, मैं समझता हूँ इनसे लोग आजीज आए थे, और इससे आजीज आकर ही लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और चूंकि मैं लगातार उनके बीच में रहा, लगातार अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता रहा, समाजवादी गुंडों के खिलाफ संघर्ष करता रहा, तो जिसका कहीं ना कहीं मुझे बड़ा फायदा मिला। और बात ये को समझ मुख्यमंत्री जाइए, रहते हुए अखिलेश यादव ने जो काम करवाए कन्नौज में, उनमें भ्रष्टाचार के इल्जामों पे आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? देखिए उसकी जांच के लिए हम लोगों ने दिया हुआ है, निश्चित रूप से उसकी जांच चल रही है। अब क्यों प्रक्रिया धीमी है, तो इधर तो चूंकि हम लोग चुनाव इनमें सब में रहे तो समझ में नहीं आता। नहीं तो आप जाइए देखिए, कन्नौज में एक्सप्रेस वे बनी हुई है, कन्नौज में एक्सप्रेस वे अखिलेश बनी, यादव उसको बड़ी उपलब्धि बड़ी बताते उपलब्धि हैं। बताते हैं, लेकिन वो उपलब्धि इस प्रकार की, कन्नौज में एक्सप्रेस वे में जो मिट्टी पड़ी हुई है, वो मिट्टी कन्नौज के तमाम सारे गाँव, आप आ जाइए सर्वे कर लीजिए आके, तमाम सारे गांव ऐसे हैं जहां के ऊपर ग्राम पंचायत की भूमि में बड़े बड़े गड्ढे, 30 30 40 40 फीट के गड्ढे हैं, उनकी मिट्टी खोद कर और एक्सप्रेस वे में बेच दी गई। ग्राम नजूल की जो ग्राम पंचायत जो की ग्राम जमीन है पंचायत की वो जमीन है, दो तीन गांव में यहां बैठ के आपको बता सकता हूं, एक ग्राम पंचायत नदसिया है, तो ग्राम पंचायत नदसिया के प्रधान ने 3.5 करोड़ से भी अधिक की मिट्टी बेची हुई है, तो वो समाजवादी पार्टी का बड़ा तो ये कार्यकर्ता तो है। ठेकेदारों को मिट्टी किसानों से खरीद के और उसका उनको मुआवजा देना होता है, इसका तो मुआवजा किसान को ग्राम मिलना सभा की चाहिए, ग्राम जमीन से पंचायत। तो नहीं हो अब वो सकता। पैसा कहाँ चला गया? तो वो अगर वहाँ के ऊपर तत्कालीन ADM रमेश चंद्र यादव की जांच हो जाए, रमेश चंद्र यादव का आज कितना बड़ा उसका महल बना हुआ है, वो तो क्यों कहाँ नहीं से करवा आए, रहे हैं ये जांच? ये सब करा है। अब निश्चित रूप से आज किसी स्थान पर पहुँचा हूँ, छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी कन्नौज आपने को बड़ी लूटा लंबी है, लिस्ट रखी हुई है, एक एक नाम गिनवा जिसने रहे भी हैं। कन्नौज को लूटा है उसको नहीं छोड़ूंगा, अंजाम तक पहुँचाऊंगा। चेतावनी है या अब सत्ता में चेत आप आ नहीं गए नहीं हैं नहीं तो? नहीं कोई चेतावनी नहीं है, और ना ये सत्ता का कोई अहंकार भी नहीं है, ये हाँ निश्चित रूप से जिसने कन्नौज को लूटा है वो अंजाम तक पहुंचेगा, क्योंकि कन्नौज को नहीं लूटा है, कन्नौज के गरीबों को लूटा है, उनके अधिकारों को लूटा है। एक आखिरी सवाल, सुब्रत पाठक को 2016 में संगठन में एक कद्दावर पद दिया जाता है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष। फिर चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद यूपी की कास्ट अरिथमेटिक पॉलिटिक्स जो भी कह लीजिए, महेंद्रनाथ पांडे प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। तो फिर एक थियरी दी जाती है कि साहब मुख्य संगठन का अध्यक्ष भी ब्राह्मण, युवा का भी, तो सुब्रत पाठक को मुख्य संगठन में एडजस्ट कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इनको तो कार्यकारिणी बनाने का भी मौका नहीं मिला। और अब खबरें चलती हैं कि चूंकि एक बड़े और कद्दावर नाम को हरा कर आए हैं, तो या तो संगठन में या सरकार में सुब्रत पाठक के लिए संभावनाएं हैं। आपको लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो पुख्ता ज़मीन पे कही जा रही हैं? देखो, आप सबसे पहले तो यही, मेरा तो नेतृत्व को मैं धन्यवाद देने के शब्द मेरे पास नहीं है। एक नरेंद्र मोदी आपके लिए रैली करने गए थे कन्नौज में, बिल्कुल
कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। बहुत छोटे से एक साधारण कार्यकर्ता रहते हुए, एक साधारण परिवार से आकर, क्योंकि मेरे पिताजी तो कभी किसी गांव के प्रधान भी नहीं रहे, पर आपकी माताजी नगरपालिका अध्यक्ष रहीं। वो नगरपालिका अध्यक्ष मेरी माताजी रहीं, तो उसका अगर श्रेय जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे को ही जाएगा, क्योंकि हाँ। मैं राजनीति कर रहा था जी। तो कब से कब तक ये 2012 से 17 तक, तो इसके नाते उस ऐसे परिवार से आने के बाद में, और आज पार्टी ने यहाँ तक पहुँचा दिया, आज मैं कन्नौज लोकसभा का सांसद हूँ। किसकी वजह से हूँ? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना। अब रही बात कार्यकारिणी गठित करने की, तो चूंकि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद में तुरंत बाद में ही चुनाव लगभग घोषित हो गए थे, तो विधानसभा के चुनाव, तो जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो फिर कार्यकारिणी हम लोग घोषित नहीं करते हैं, चूंकि विवाद न पैदा हो, तो इस नाते वहाँ पर कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई। और उसके बाद फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई। सरकार बनते ही जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अध्यक्ष थे वो डिप्टी सीएम हो गए। अब जब डिप्टी सीएम हो गए तो ये हुआ कि अब नया अध्यक्ष आएगा, उसके बाद कार्यकारिणी घोषित कर सकते, क्योंकि कार्यकारिणी घोषित करने के लिए भी जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे अनुमति लेनी होती है। तो अब नए प्रदेश अध्यक्ष जब तक आया है तब तक उनकी कार्य में मेरे को यहाँ युवा मोर्चा के स्थान पर उसको प्रदेश उन्हीं की टीम में, आपकी टीम में हाँ ले लिया गया। तो कुल मिलाकर अब युवा मोर्चा के उसमें रहता तो फिर हो सकता है कि फिर चुनाव भी कैसे लड़ सकता था कन्नौज का। तो कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ा विषय रहा होगा, चूँकि पार्टी ने सोचा होगा कि इनको चुनाव लड़ाना है, तो इस नाते युवा मोर्चा के स्थान पर पार्टी ने दूसरा काम मुझको सौंप दिया। भारतीय जनता पार्टी में हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी तय करना है तो नेतृत्व तय करता है, और नेतृत्व ने मुझे आज तक जो भी काम दिया, और काम के साथ साथ इतना बड़ा सम्मान नेतृत्व ने मेरे लिए दिया, तो सही में मुझे तो लगता है कि मेरी तो पीढ़ियों में कोई इस प्रकार का सम्मान किसी को हासिल नहीं हुआ होगा। तो नेतृत्व ने एक बात कही नरेंद्र मोदी ने, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आप कन्नौज से आते हैं और कन्नौज में आपकी छवि हिंदू हृदय सम्राट की है, ये दो में फिर तालमेल कैसे बैठेगा? देखिए, आपको तालमेल बैठेगा कैसे विषय नहीं है, तालमेल बैठ गया है। मेरी छवि को कोई कुछ भी बोल सकता है, निश्चित रूप से सनातन परिवार में जन्म लिया है, हिंदू हूँ, मन कर्म वचन तीनों से हिंदू हूँ। लेकिन हिंदू होने का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी दूसरे को रहने नहीं देंगे, हिंदू होने का अर्थ है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और यही हिंदू के नाते ही नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार का जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। और रही बात सबके विश्वास की, तो आज आपको बता देना चाहता हूँ कि कन्नौज नगर पालिका क्षेत्र में मैं आपको अभी देकर भी जाऊँगा, कन्नौज नगर पालिका क्षेत्र में, चूँकि मैं देख रहा था अभी आज ही, चूँकि सर हर बूथ वाइज गणना मेरे पास आई हुई है नगर पालिका क्षेत्र की, तो कोई भी मुस्लिम बूथ ऐसा नहीं है जिसमें वोट मुझे नहीं मिला है। और कई कई बूथ तो हम मुस्लिम बूथ भी जीत गए हैं। तो इस प्रकार से पूरी लोकसभा क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं भले ही कहीं 20 वोट मिले होंगे, 25 वोट मिले होंगे, बाहर भी वोट मिला हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूँ कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए, कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी ने जो उस दिन उस बात को कहा है कि इस देश के अल्पसंख्यक समाज को भी डरा गया है, धमकाया गया है, और उसको इसके कारण से विकास से वंचित रहना पड़ा है। तो निश्चित रूप से हम लोग जात की राजनीति नहीं करते, हम लोग संप्रदाय की राजनीति नहीं करते, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। उसके अंतर्गत भारत में आने वाले सारे लोग उस विकास के भागीदार हैं, और उनको भागीदार बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। चलिए, ललन टॉप अड्डा में सुब्रत पाठक, आपने इनकी बातें सुनी, आपने इनके दावे सुने, आपने इनके राजनीतिक इल्ज़ाम भी सुने अपने विरोधियों पर। अब आपकी बारी है, बताइए कि आप सुब्रत के कहे के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिए। ललन टॉप अड्डे में और किन नेताओं को, किन हस्तियों को बुलाना चाहिए ऐसी लंबी तसल्ली की और खुली बातचीत के लिए, बेबाक बातचीत के लिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देख रहे हैं ललन टॉप। अगर आपको हमारी कवरेज, हमारी पेशकश पसंद आती है तो हमारे एंड्रॉयड ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर पर जाके, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें। सुब्रत पाठक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला इतना और ललन टॉप के दर्शकों तक अपनी बात इस सवाल जवाब के ज़रिए पहुँचाई। शुक्रिया।